अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक वेम्बले स्टेडियम में AEW का ऑल इन पेपर व्यू नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोगों को बता दूं, आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर केनी ओमेगा एक्शन में देखने को मिले, जहां पर वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पहली बार केनी ओमेगा और कोटा इबुशी AEW के पेपर व्यू पर टीम अप करते गए। और गाइज यहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर हमें केनी ओमेगा, कोटा इबुशी एंड हैंगमैन एडम पेज वर्सेज बुलेट क्लब गोल्ड और कोनोसुके तकेशिता के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सिक्स मैन टैग मैच देखने को मिला, जहां पर पूरे मैच के अंदर हमें केनी ओमेगा की तरफ से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए। बट गाइज मैच के अंदर सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब कोनोसुके तकेशिता और कोटा इबुशी टैग करके अंदर आते गए, क्योंकि गाइज आज यहां पर वेम्बले स्टेडियम में इन दो जापानी सुपरस्टार्स के बीच में हमें यहां पर बैक एंड फोर्थ जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिला, जिसके बाद की फाइनली इस मैच के अंदर जब केनी ओमेगा टैग करके अंदर आते गए तो गाइज केनी ओमेगा सिंगल हैंडेडली जे वाइट और जूस रॉबिन्सन के ऊपर मल्टीपल रनिंग नी और भी ट्रिगर हिट करते गए। बट गाइज यहां पर केनी ओमेगा इन दोनों पर अटैक कर रहे होते गए, तभी सडनली कोनोसुके तकेशिता रिंग में आ जाते गए जो कि केनी ओमेगा कर देते गए। और गाइज कोनोसुके तकेशिता के रोल अप के साथ आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर कोनोसुके तकेशिता केनी ओमेगा को बीट कर देते गए। और गाइज वेम्बले स्टेडियम में 80,000 लोगों के सामने आज यहां पर गोल्डन इलीट को हार का सामना करना पड़ता है।